कल जब मैं मेरा कमेंट सेक्शन पढ़ रही थी तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप में से काफी सारे लोगों ने लिखा था कि हमारा मेकअप ब्लैक पड़ जाता है तो क्या रीजन है, हमारा मेकअप जो है वो पैची हो जाता है। सो क्या आप लोगों का मेकअप भी ब्लैक एंड पैची हो जाता है? तो आज का ये वीडियो देखने के बाद आपकी जितनी भी बेसिक मेकअप की प्रॉब्लम है वो सारी मैं सॉल्व करने वाली हूँ। सो हाई एवरी वन, कशिश जैन दिस साइड ऑल द वे फ्रॉम पीके मेकअप स्टूडियो। एंड आज मैं दो डिफरेंट फाउंडेशन आपको एक ही फेस पे यूज करके दिखाने वाली हूँ, मतलब आज का वीडियो है रिव्यू वीडियो। सो गाइज, वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आपको फ्री मेकअप सीखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन गाइस। सो दो डिफरेंट मेकअप फाउंडेशन का रिव्यू मैं करने वाली हूँ, वो भी एक ही फेस पे। सो स्टे ट्यून्ड गाइस। यहाँ पे मैंने फर्स्ट अप्लाई किया टोनर और टोनर के बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ नीविया का मॉइस्चराइजर। एंड मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपका शेयर करने वाली हूँ वीडियो के आगे कि किस तरह दोनों फाउंडेशन में मुझे क्या डिफरेंस लगा। एंड दोनों फाउंडेशन में से एक अफोर्डेबल फाउंडेशन हम यूज़ करने वाले और एक हाई एंड फाउंडेशन हम यूज़ करने वाले हैं, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है वीडियो में आगे। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने अप्लाई किया है प्राइमर। प्राइमर का बहुत ही अच्छे से अब्जॉर्ब होने देना है। आप लोगों में से ना काफ़ी सारे लोग रिव्यू वीडियो बोल रहे थे तो मैंने सोचा अगर मेरी फैमिली मुझे रिव्यू के लिए बोल रही तो डेफिनेटली मुझे वो चीज़ करनी ही पड़ेगी। एंड नेक्स्ट यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ करेक्टर, जो कि हमारा कौन सा स्टेप है ये, हमने फर्स्ट टोनर लगाया, देन मॉइस्चराइजर, देन प्राइमर, तो ये हमारा फोर्थ स्टेप था करेक्टर। अभी फिफ्थ स्टेप क्या होने वाला है देखते हैं हम। करेक्टर जहाँ पे डिसकलरेशन है वहाँ वहाँ पे आपको अप्लाई करना है और मैंने यूज़ किया है क्राइलॉन का करेक्टर जिसका नंबर है 303 और इसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ यूजिंग अ ब्यूटी ब्लेंडर जो कि है ब्यूटीलिशियस ब्रांड का। अगर आप ऐसे ही अमेजिंग ट्यूटोरियल्स सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। नेक्स्ट यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ ELF का कंसीलर, जहाँ जहाँ पे मैंने करेक्टर लगाया वहाँ वहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ। और एक चीज़ याद रखना, आज का हमारा मेन मोटिव है कि हमारा जो बेस मेकअप है वो पैची नहीं होना चाहिए, सो उसी तरह से हम सारे रूल्स फॉलो करेंगे। बहुत ही कम क्वांटिटी मैंने अप्लाई की है मेरे कंसीलर की। एंड जब भी आपके फेस पे बहुत ज़्यादा पोर्स होना तो आपको हमेशा लिक्विड कंसीलर अप्लाई करना है। ओके, सो यहाँ पे मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। सो गाइस, रिव्यू का टाइम आ गया है। सो एक तरफ मैं यूज़ करने वाली हूँ ये हुडा ब्यूटी का फाउंडेशन। सो देखते हैं, पहले मैं आपको हाई एंड दिखाऊंगी फिर मैं आपको अफोर्डेबल दिखाऊंगी, देखते हैं आपको दोनों में से कौन सा फाउंडेशन पसंद आता है। वैसे अगर मैं नहीं बताती ना कि मैंने दोनों अलग अलग फाउंडेशन लगाए तो आपको पता ही नहीं चलता कि यार नहीं दोनों एक ही है, लेकिन अभी देखो आप क्या होता है। सो ये एक तरफ हमने हुडा ब्यूटी का फाउंडेशन लगा दिया है। अब आपको वेट करना है कि मैं दूसरी तरफ कौन सा फाउंडेशन लगा दूँ। क्या आप लोग गेस कर सकते हो कि दूसरा तरफ कौन सा फाउंडेशन आने वाला है? एंड गाइज, अगर आप इस फील्ड में बनना चाहते हो और पैसे कमाना चाहते हो, अर्न करना चाहते हो, तो हमारा क्रैश कोर्स आने वाला है जो साल में सिर्फ और सिर्फ एक बार आता है और जिसमें हम सिर्फ सिलेक्टिव स्टूडेंट्स लेने वाले हैं। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो ऑन 7228996655। सो यहाँ पर रिवील हो गया है दूसरा फाउंडेशन जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ OG का। सो ये दूसरी तरफ मैं OG अप्लाई कर रही हूँ। You guys cannot see a single difference, आपको एक सिंगल डिफरेंस भी नहीं दिखेगा दोनों ब्रांड में। और अगर मैं अमाउंट की बात करूँ तो अमाउंट अगर आपको चाहिए तो आप मैं कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है अगर आप ये फाउंडेशन ऑर्डर करना चाहते हैं तो। सो आप लोग देख सकते हो दोनों तरफ कोई मेजर डिफरेंस नहीं। अगर मैं आपको शायद इस वीडियो में नहीं बताती तो आपको शायद पता भी नहीं चलता। सो गाइज, मैं मेरे सीक्रेट्स हो गए या मेरी कोई भी नई टेक्निक मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ, तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो यहाँ पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कॉन्टोर मैं कर रही हूँ और कॉन्टोर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ हुडा ब्यूटी का टेंटोर। सो आप लोगों को दोनों फाउंडेशन में से कौन सा फाउंडेशन ज़्यादा अच्छा लगा वो मुझे कमेंट करके बताओ। हुडा ब्यूटी फाउंडेशन को हम नंबर 1 दे देते हैं और OG की फाउंडेशन को हम नंबर 2 दे देते हैं, तो आपको कमेंट करके बताना है कि आपको नंबर 1 अच्छा लगा है या नंबर 2। सो जॉ लाइन पे कॉन्टोर दे दिया, जैसे कि थोड़ा सा ब्रॉड फेस है मॉडल का तो थोड़ा शार्प कॉन्टोर हम करेंगे। एंड देन मैं बहुत ही सारे मिनी ट्यूटोरियल्स मेरे इंस्टाग्राम पे भी अपडेट करती हूँ, तो मेरे इंस्टाग्राम को वैसे आप सब लोगों ने फॉलो किया लेकिन प्लीज़ जिन्होंने नहीं फॉलो कर लिया प्लीज़ प्लीज़ जाइए और कर लीजिए। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है kashishjain613। सो यहाँ पे मैं कर रही हूँ लिप कॉन्टोर। और आज के इस वीडियो में आपका फेवरेट पार्ट कौन सा है वो भी आप मुझे कमेंट करके बताना। वैसे अभी द मोस्ट अमेजिंग पार्ट आना बाकी है जो कि है आई मेकअप। एंड गाइज, जब मैंने इसका फोटो मेरे इंस्टाग्राम पे अपलोड किया था ना, मुझे इतने सारे कमेंट्स आए कि प्लीज़ फुल वीडियो अपलोड कीजिए। सो मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया है। आई नो थोड़ा सा लेट हो गई लेकिन यार बहुत ज़्यादा मैं बिज़ी थी। आप लोग तो मुझे फॉलो करते हो तो आपको पता ही होगा कि मैं कहाँ बिज़ी थी। सो यहाँ पर मैं कर रही हूँ ब्लेंड बहुत ही अच्छे से।
नेक्स्ट यहाँ पे हम कर रहे हैं फेस हाईलाइटिंग, और फेस हाईलाइटिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ टार्ट का कंसीलर जिसका शेड है फेयर। एंड अगर आपको फिर भी कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और जहाँ जहाँ पे कॉन्टोर किया है वो अवॉइड करके बाकी पूरे फेस पे आपको हाईलाइटिंग शेड अप्लाई करना है। और इसको ब्लेंड करने के लिए मैं यूज़ करी हूँ ब्यूटीलिशियस का ब्लेंडर, बहुत अच्छे से इसको ब्लेंड कर देना है। एंड द आई पार्ट इज़ कमिंग गाइस, स्टे ट्यून, आराम से बैठ जाओ क्योंकि आई मेकअप पार्ट आने वाला है। इतना अमेजिंग आई मेकअप मैं आपको सिखाने वाली हूँ, ये वीडियो देखने के बाद आप सब लोग वो मेकअप कर पाओगे, आई एम डेफिनेटली श्योर। तो यहाँ पे लूज पाउडर मैंने अप्लाई कर दिया है, बेकिंग कर दी है, लूज पाउडर से हमारा मेकअप जो है वो सेट हो जाएगा। चलिए तो हमारा आई मेकअप जो है वो स्टार्ट हो रहा है। सो फर्स्ट हम अप्लाई कर रहे हैं वाइट आई बेस जो है मैंने अप्लाई कर दिया है। एंड गाइज मेरे क्वेश्चन के लिए रेडी रहना क्योंकि मैं 30 सेकेंड में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आंसर मैं देखती हूँ आप में से कितने लोग जेन्युइन आंसर देते हैं। अच्छा आज का जो क्वेश्चन है ना वो मुझसे रिलेटेड है, क्या आप लोग जानते हो दैट वेयर आई एम फ्रॉम, मैं कहाँ से हूँ, कितने लोग जानते हैं कि मैं कहाँ से हूँ। एंड आप में से काफ़ी सारे लोग हैं ना मेरी एज बहुत पूछते कमेंट सेक्शन में, तो आज ना आप लोगों का क्वेश्चन यही है, यू गेस माई एज कि मेरी एज क्या है, देखते हैं आप में से कितने लोग करेक्ट आंसर देते हैं। सो फर्स्ट आई शेडो मैंने अप्लाई कर दिया है जो कि है लाइट ब्राउन, और यहाँ पर मैं सेकेंड आई शेडो अप्लाई कर रही हूँ जो कि है बी यूनिक का और जिसका कलर है डार्क ब्राउन। बी यूनिक के आई शेडो अगर आपको बाय करने हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। इसको मैंने कर दिया अच्छे से ब्लेंड, एंड सेम दूसरी तरफ भी हमेशा लाइट टू डार्क हमें जाना है, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। एंड गाइज हमारे क्रैश कोर्स में ना हम सारी चीज़ें सिखाते हैं, जैसे कि आप सोशल मीडिया ले लो या बिजनेस सेटअप ले लो, हम सिर्फ मेकअप करना नहीं सिखाते, हम लोग लाइफ एक्सपीरियंस सिखाते हैं। सो अगर आपको क्रैश कोर्स की डिटेल्स चाहिए जो सिर्फ साल में एक बार ही होता है, एंड गाइज बहुत ही मिनिमम इस बारी मैं रजिस्ट्रेशन ले रही हूँ, सो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7228996655। एंड यहाँ पे मैं क्रिएट कर रही हूँ क्रीज लाइन, क्रीज लाइन बनाने के लिए मैंने यूज़ किया है कंसीलर, आप कोई भी वाइट बेस भी यूज़ कर सकते हो, फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे मैं कर रही हूँ क्रीज लाइन को ब्लेंड, और मैं स्टार्ट कर रही हूँ आउटर कॉर्नर से। आउटर कॉर्नर पे सबसे फर्स्ट हमने लगा दिया एक ब्लैक कलर का आई शेडो। आज के इस मेकअप का ब्राउन स्मोकी लुक भी दे सकते हो और न्यूड मेकअप लुक भी आप दे सकते हो जो बहुत ही अमेजिंग लगेगा संगीत में, रिसेप्शन में, या आप इसे ब्राइडल में भी कर दो ना तो भी ये बहुत ही अच्छा लगेगा। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने ब्लैक के बाद अप्लाई किया एक लाइट ब्राउन कलर का आई शेडो। हमेशा याद रखना आपको हमेशा डार्क टू लाइट जाना है जब हम आई बॉल पे वर्क करें तब। एंड इनर कॉर्नर पे मैंने लगा दिया एकदम बेज कलर का आई शेडो, मतलब इसे ऑफ वाइट कलर आप बोल सकते हो। एंड सेम दूसरी तरफ भी मैं वही अप्लाई कर रही हूँ। ओके एंड जब भी आपको प्रोडक्ट अप्लाई करना है तो आपको फ्लैट ब्रश यूज़ करना है। यहाँ पे आई मेकअप को और भी अमेजिंग लुक देने के लिए मैंने अप्लाई किया हाइलाइटर, और हाइलाइटर मैंने यूज़ किया फेस सीक्रेट ब्रांड का जो कि मेरा बहुत ही फेवरेट हाईलाइटर है। और उस हाईलाइटर के ऊपर मैं यूज़ कर रही हूँ थोड़ा सा पिगमेंट जो कि है फ्रॉम दी बी यूनिक। अगर आप ये पिगमेंट बाय करना चाहते हैं तो लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इनर कॉर्नर पर मैं थोड़ा सा बेज कलर फिर से अप्लाई कर रही हूँ थोड़ा सा ज़्यादा। एंड अभी हम अप्लाई कर रहे हैं काजल, और काजल मैंने अप्लाई की है ब्लैक काजल क्योंकि आज जो है ना आई मेकअप मुझे बहुत ही सटल रखना है, एंड इस वजह से मैंने यू नो आई मेकअप में ब्लैक काजल यूज़ किया, वाइट नहीं यूज़ किया। अच्छा क्या आप लोग बेस देख सकते हो, बेस में दोनों तरफ के मेकअप में कोई डिफरेंस नहीं लग रहा था आपको, क्या आपको आगे भी इस तरह के मेकअप देखने हैं जिसमें मैं दो अलग अलग ब्रांड आपको दिखाऊँ वो भी एक ही वीडियो में एक ही फेस पे। सो अगर आप चाहते हैं ऐसा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने अप्लाई किया इंग्लॉट का ब्लैक जेल लाइनर जिसे मैं मर्ज कर रही हूँ ब्राउन आई शेडो से बहुत ही ब्यूटीफुली, एंड ऊपर भी सेम लाइनर में अप्लाई कर रही हूँ, ऊपर भी सेम इंग्लॉट का जेल आई लाइनर है। मैं इस लाइनर को मैं स्मज वाला एकदम लुक दे रही हूँ, परफेक्टली मतलब नहीं करना है, स्मजिंग लुक दोगे तो इस आई मेकअप का लुक और भी अमेजिंग आएगा। सेम दूसरी तरफ हम सेम स्टेप फॉलो कर रहे हैं, पहले हम लोअर लैश लाइन पे लगाएंगे उसके बाद हम ऊपर की तरफ करेंगे स्मच, इसे ब्राउन से स्मच करेंगे। ऊपर की तरफ भी सेम आपको इंग्लॉट का जो है जेल लाइनर अप्लाई करना है। सो गाइज ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल हुई है और आप में से कितने लोग इसको रिक्रिएट करेंगे, जल्दी से रिक्रिएट करना और मुझे टैग करना मत भूलना इंस्टाग्राम पे, मेरे मुझे ज़रूर टैग करना। एंड यहाँ पे मैं जेल लाइनर को लॉक करी हूँ यूजिंग द कलरबाल लिक्विड आई लाइनर। नेक्स्ट हम कर रहे हैं आईब्रो डिफाइनिंग, और आईब्रो डिफाइनिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एनास्टाशिया का पोमेड जिसका शेड है डार्क ब्राउन, एंड बहुत ही
आपको एकदम नेचुरल रखनी है आईब्रो, बहुत ज़्यादा फेक मत बनाइएगा, नहीं तो हमारा जो मेकअप है वो सॉफ्ट से लाउड हो जाएगा। सेम दूसरे तरफ डिफाइनिंग के लिए मैं एक एंगल्ड ब्रश यूज़ कर रही हूँ, और कभी भी आपको ब्लैक यूज़ नहीं करना है, ऑलवेज यूज़ डार्क ब्राउन कलर। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ फेस सीक्रेट का ब्लश ऑन, और हम लोग एकदम पीच ब्लश ऑन आज जाएंगे, हम लोग पिंक कलर का ब्लश ऑन नहीं लगाएंगे, क्योंकि जब आप ऐसा कोई ब्राउन लुक करो ना तो उस पर पिंक ब्लश ऑन कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। इस वजह से मैं यूज़ कर रही हूँ एक पीच कलर का ब्लश ऑन। नेक्स्ट यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ओफ्रा का हाइलाइटर, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, जो बहुत ही नेचुरल लगता है, विच इज़ माई मोस्ट फेवरेट पार्ट, हाइलाइटिंग इज़ माई मोस्ट फेवरेट पार्ट। तो जितने भी हाइलाइटिंग एरियाज हैं हमारे फेस पे, वहाँ पे हमें ये हाइलाइटर अप्लाई करना है। चीक बोन ले लो, नोज ब्रिज ले लो, टेम्पल पार्ट ऑफ द फॉरहेड ले लो, चिन एंड अपर लिप। सो यू कैन सी द डिफरेंस हाइलाइटर से कितना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ फेरा रुशी का मस्कारा, जस्ट अप्लाई ये, तभी तो लैशेज बाकी है, मुझे लगा आई मेकअप हो गया है, मतलब बिना लशेज के भी अच्छा। यहाँ पे एक टेक्निक आप सीख सकते हो, जैसे कि आप देख रहे हो मस्कारा मेरा नीचे लग चुका है, सो उस मस्कारा को पहले आपको ड्राई होने देना है, फिर एक स्पूली ब्रश यूज़ करना है आपको उसे रिमूव करने के लिए। आप इस तरह से कभी ऐसे हमेशा होता है कि हमारा मस्कारा लग जाता है आई मेकअप पे या फेस पे, तो आप ये चीज़ फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे लैशेज मैंने दे दी है, एंड नाउ द बेस्ट पार्ट, लिपस्टिक मैं यहाँ पे अप्लाई करी हूँ। सबसे फर्स्ट ओमरे लिप हम लोग क्रिएट करें, ओमरे लिप क्रिएट करने के लिए आपको बॉर्डर्स डार्क रखने होते हैं और अंदर आपका जो है लाइटर शेड लगता है। सो बॉर्डर पे मैंने यूज़ किया है एकदम डार्क ब्राउन कलर, और हम अंदर अप्लाई करें एकदम न्यूड कलर का लिप कलर विच इज़ फ्रॉम दिलेंसी, एंड दोनों को आपस में मर्ज करिएगा, बॉर्डर को भी और लाइट शेड को भी, तभी ओमरे लिप का इफेक्ट बहुत ही अच्छा आएगा। आप कोई भी न्यूड कलर अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ डार्क ब्राउन कलर का आई शेडो, ताकि लिप्स को मैं और भी परफेक्ट एकदम डिसेंट लुक दे सकूँ और हमारी लिपस्टिक ना फैले बॉर्डर से। इस वजह से मैं आई शेडो यूज़ करती हूँ, हालांकि मैं मोस्ट ऑफ दी वीडियोज़ में यूज़ करती हूँ। यहाँ पे हमारा फाइनल स्टेप है ऑल नाइटर मेकअप फिक्सर फ्रॉम अर्बन डीके, एंड जस्ट स्प्रे इट गाइज, एंड हियर इज़ द फाइनल लुक। आई होप आपको ये मेकअप बहुत पसंद आया होगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, फैमिली मेम्बर्स को, फ्रेंड्स को, एंड प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, एंड कमेंट तो ज़रूर दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं जल्दी आऊँगी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए सी यू एवरीवन, एंड डोंट फॉरगेट टू रिक्रिएट दिस लुक, आज ही करना नहीं तो नहीं आएगा, आज ही अब भी करना स्टार्ट कर दो। सो बाय एवरीवन, बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर, बहुत बहुत धन्यवाद।